दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जय एस द न्यूज़। महाराष्ट्र में पिछले कुछ टाइम से लगातार सेंट्रल एजेंसी ईडी और साथ में ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा लगातार महाराष्ट्र के बड़े नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। उनमें से कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में बीएमसी कमिश्नर को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आप सबको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले यशवंत जाधव के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड मारी थी और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनकी प्रॉपर्टी जो है सीज की गई है और उनके ऊपर एक के बाद एक कई बड़े आरोप लगाए गए हैं और उसमें उस केस में जो है अभी छानबीन भी चल रही है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक अपडेट आ रही है जहां पर बताया जा रहा है कि बीएमसी के कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस दो दिन पहले भेजी गई थी और उनको जो है पूछताछ में सहयोग करने के लिए बोला गया था, मतलब कि इस केस में सहयोग करने के लिए बोला गया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कमिश्नर इकबाल सिंह चहल को बोला गया है कि वो जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफिस कर अपना स्टेटमेंट जो है दर्ज कराएं। अब देखते हैं वो जब वहां पर ऑफिस में जाते हैं और जब अपना स्टेटमेंट दर्ज करवाते हैं तो वहां पर क्या खुलासा होता है। आपका क्या ओपिनियन है इस पर, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।